सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग कर रहे होंगे, विंटर सीजन आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। मेरे यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ मैं कर रही हूँ। लास्ट मैंने आपको जो वीडियो शेयर किया था वो था नर्सरी शॉपिंग हॉल, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ चेक कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये करने वाली हूँ, सीडलिंग्स लगाने वाली हूँ। मैं लेट हो गई हूँ, वैसे तो मुझे रात को लगा देनी चाहिए इनको, लेकिन मैंने नहीं लगाई थी। और ये देखो, अब इसका परिणाम ये है कि थोड़ी थोड़ी ये सूख भी गई है, बट होपफुली ये चल जाए। और यहाँ पे मैंने कुछ मिक्सचर तैयार कर लिया है। इसमें मैंने, आप देखोगे, 1/3 मैंने इसमें कोकोपीट ली है, 1/3 ही वर्मी कंपोस्ट ली है जो कि मैं लेके आई थी लास्ट वीडियो में जो आपको दिखाया था, एंड देन 1/3 मैंने इसमें गार्डन सॉइल ली है। और मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही हूँ जैसे कि नीम खली या फिर ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड वगैरह, क्योंकि ये जो वर्मी कंपोस्ट है, एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जैसा आप देखोगे, ये वर्मी कंपोस्ट जो है ये इसमें नीम एंड ट्राइकोडर्मा कोटेड है, तो इसलिए ये मेरे को इसमें अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंटेनर ले लिया है मैंने फ़िलहाल, तो मैं एक ही कंटेनर में इसको लगाने वाली हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे मैंने कुछ सूखी पत्तियाँ भी ली हैं, तो इसको मैं बेस में डाल दूँगी जो कि प्रॉपर ड्रेनेज में हेल्प करेंगी, और साथ में बाय द टाइम डिकम्पोज हो जाएंगी तो फिर कंपोस्ट का भी काम करेंगी। इसमें आप छोटी वाली बजरी भी डाल सकते हो, किसी कपड़े से भी आप इसको ढक सकते हो जिसमें कि वाटर पास हो जाए, मिट्टी आपकी ना निकले, अगर आपके पास सूखे पत्ते ना हो तो। और फिर स्टोन तो आप लगा ही सकते हो, है ना। तो ये सब, ये मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था इनको, बट ऐसे भी अगर आप ऐसे ब्राउन करके डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको भर देते हैं, और मेरी कोशिश ये है कि मैं इनको आज लगा दूँ। पिटूनिया की तो आपको पता है सीडलिंग ट्रे में, और देखो पिटूनिया का हाल भी क्या हो गया, ये भी थोड़ा सूख गई है, 2-3 इसमें से मुरझा गई हैं। ये 10 पौधे थे, और बस वही होता है कि शाम को जाते ना जब, तो वह फिर हम लगा नहीं पाते उसको कई बार, क्योंकि बाकी काम भी होते हैं घर के, तो फिर वो रह जाता है किस तरीके से। तो मेरे साथ भी यही होता है जनरली, मैं भूल जाती हूँ, बट होपफुली ये डेड ना हो और चल जाए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो अब हम इसे लगा देते हैं, मैं इसमें होल्स बना लेती हूँ। इसमें मेरे पास 5 पौधे डायंथस के हैं, 5 गजानिया के हैं, तो मैं वो इसमें लगा दूंगी सब। आई थिंक ये 10 हो गए। तो ये मैंने इसमें होल्स कर लिए हैं छोटे छोटे, आप देखोगे। और 5 पौधे मेरे पास डायंथस के हैं, 5 गजानिया के हैं, तो वो मैं इसमें लगा देने वाली हूँ। कलर्स इनके अभी नहीं पता, जब हम ऐसे सीडलिंग लेके आते हैं कलर जनरली नहीं पता होते, क्योंकि ऑफकोर्स वो जब काफ़ी सारे सीड्स डालते तो कई बार पता नहीं चलता कि कलर कौन से हैं, या फिर बिग सीड डाल देते हैं नर्सरी वाले तो उनको पता नहीं चलता। कोशिश ये है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा मिट्टी में ना दबाऊँ, और इसकी रूट्स मिट्टी में जानी चाहिए। इस तरीके से ये मैंने ज़्यादा अंदर दबा दिया। हमारी ज़्यादातर सीडलिंग मरने का चांस भी यही रहता है कि हम क्या करते हैं कि रूट्स के साथ साथ इसको भी दबा देते हैं, ये जो इसका प्लांट का पार्ट है, ये जो स्टेम इसकी, ये भी दबा देते हैं, जबकि हमें रूट्स अंदर रखनी है, बट स्टेम का जो पार्ट है इसका वो बाहर को ही रखना है। उससे क्या होता है कि स्टेम उसकी रॉट हो जाती है और फिर सीडलिंग हमारी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती। मेरे कुछ प्लांट्स तो इधर उधर भी हो गए, आए 5 थे ये, 2-3 ही मिले मुझे। अच्छा ये रहे देखो, ये तो इससे निकल के इधर उधर हो गए हैं। मैं चलिए लगा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, ये सीडलिंग मैंने लगा दी। इसमें मैंने 10 पौधे जो हैं मैरीगोल्ड के लगाए हैं, ये बड़ा वाला मैरीगोल्ड है, और इसके बाद 5 पौधे मैंने गजानिया के लगा दिए हैं। इसमें बस मुझे हल्की सी मिस्टिंग करनी है, क्योंकि ये मिट्टी जो है ऑलरेडी मॉइस्ट है, तो हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है इसको, नहीं तो सीडलिंग मर जाएगी। और उसके बाद हमें इसे धूप में नहीं रखना है, मतलब हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसको हवा मिले, और इसमें इसको ब्राइट लाइट तो मिले, लेकिन डायरेक्ट ऐसे धूप जो आपको दिख रही है ऐसे डायरेक्ट धूप में हमने इसको नहीं रखना है, नहीं तो ये सीडलिंग्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। उसके साथ साथ अभी मेरी यहाँ पर ये सीडलिंग डायंथस की बची है, तो इसे भी मैं जल्दी लगा देती हूँ। इसे लगाने के लिए मुझे एक ये सीडलिंग ट्रे मिल गई है छोटी सी, इसे हम फिल कर लेते हैं। इसमें ऑलरेडी होल्स हैं नीचे, तो इसके होल्स को बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है।
सो फ्रेंड्स सीडलिंग हमने लगा दी है, देखो चार सीडलिंग मैंने यहाँ लगाई और दो पौधे यहीं पर एडजस्ट कर दिए। तो बस हल्के हाथों से हम इसमें थोड़ा मिस्टिंग कर देंगे और ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर ये ख़राब हो सकती है पानी से, एक्सेस मॉइस्चर से ये रॉट हो सकती है। और हमें इसको रखना है एकदम ब्राइट लाइट में, लेकिन हमको इसको, ये देखो मैं पता है कहाँ रखने वाली हूँ इसको, मैं इसको यहाँ रखने वाली हूँ पॉट्स के बीच में, और कोशिश रहेगी कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रख दूँ ताकि इनको धूप ना लगे। ये देखो यहाँ पे लाइट तो रहेगी मगर धूप नहीं रहेगी, तो ये आपने देखा इसको हम यहाँ रख देते हैं इस तरीके से, और ये बच जाएंगी। थोड़ा सा इसको ऐसे लगा देते हैं, ये देखो। उसके बाद हम यहाँ पे धनिया लगाने वाले हैं, तो ये धनिया के सीड्स हैं, ये आप देखोगे ये हमने किचन की जो धनिया हम यूज़ करते हैं वही उसी के सीड्स हैं। इसको थोड़ा हमने दो पीसेस में तोड़ लिया है, आप इसको स्टोन की मदद से थोड़ा दबाओगे तो हल्के हाथों से दबाना है ताकि ये दो पीसेस में ही क्रश हो, उससे ज़्यादा पीसेस हो जाएंगे तो फिर ये धनिया आपका लग नहीं पाएगा। और इसको हम लगा देंगे आज, इसको मैंने 24 आवर्स पहले भिगा दिया था, मतलब कि 24 आवर्स हो गए हैं इसको भिगाए हुए, तो अभी हम इसको लगाने वाले हैं। तो जब हम धनिया लगाते हैं तो इसको जर्मिनेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम इसको थोड़ा भिगा देते हैं ताकि इसकी जर्मिनेशन जो है वो फास्ट हो जाए। और इसको हमने, देख रहे हो आप सीड्स अभी गीले हैं, अगर सूखे सीड्स आप लगाते हो फिर तो वो स्प्रिंकल की हेल्प से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप गीले सीड्स लगाते हो तो थोड़ा ये हो सकता है कि वो एक ही जगह पर गिर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, देखो हल्की सी अगर आप इसमें मिट्टी मिक्स कर दोगे तो फिर ऐसा चांस नहीं होगा कि आपके सीड एक ही तरह एक ही जगह पर गिरें। तो चलिए सीड्स लगाते हैं। तो ये वाला कंटेनर है जहाँ पर हमने फ्रेंच बीन्स लगाई थी और एक ही पौधा भी सरवाइव कर पाया, बाकी सारे पौधे मतलब बाकी सीड्स को जर्मिनेट हुए थे बट वो फिर बाद में बारिश हुई तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाए। तो इसमें हम थोड़ी सी इसकी डिगिंग कर देंगे, मिट्टी वैसे तो काफ़ी सॉफ्ट है आप देख ही रहे हो, बट फिर भी हम थोड़ी डिगिंग कर देंगे और इसके साथ हम ये मिला देंगे वर्मी कंपोस्ट, फिर हम अपने धनिया के सीड्स इसके आसपास डाल देंगे। इस तरीके से हम डिगिंग कर देते हैं, घास वगैरह हटा देते हैं, और इसमें हमारे मस्क मेलन लगे हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। बस छोटी सी रिक्वेस्ट यही है मेरी हमेशा आपसे कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अपने विचार आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हो। तो ये हमने कर दिया, इसको मिट्टी को थोड़ा हम क्लीन कर लेते हैं, जो ऐसे मिट्टी के ये मिट्टी जहाँ पे सख्त दिख रही है, ये देखो। इसके बाद हम ये वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं इसमें, एंड देन इसको भी हम शफल कर देंगे मिट्टी के साथ। इसे हैंड से काम करने में बहुत मज़ा आता है मिट्टी में, आपको भी आता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ग्लव्स पहन के आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, कई बार मिट्टी में काम करने से हाथ वगैरह तो थोड़े ख़राब होते ही हैं, और ये होता है कि बस अगर आप रियल मज़ा लेना चाहते हो ना गार्डनिंग वगैरह का, तो फिर आपको मिट्टी में हाथ डालने ही होंगे, तभी आपको उसका रियल सेंस मिल पाएगा। तो हमारे सीड्स ये रहे, तो हम बस इनको स्प्रिंकल कर देंगे, बस इस तरीके से सीड जो है वो एक जगह पर नहीं गिरेंगे। ये देखो के बाद ऊपर से एक मिट्टी की लेयर लगा सकते हो, या फिर आप इसी को शफल कर दो, इससे क्या होगा कि आपके सीड्स मिट्टी के नीचे चले जाएंगे और एक्सेस आपको मिट्टी डालने के ऊपर से जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया, हमको बहुत तो सीड्स लगाने का यही रूल होता है, जितना छोटा सीड होता है हम उसको उतना कम मिट्टी में दबाते हैं, मतलब बहुत बारीक सीड होगा तो आप मिट्टी के ऊपर ही जर्मिनेट हो जाएगा, और अगर थोड़ा मोटा सीड हो तो फिर आप मिट्टी में दबा सकते हो। ये इस तरीके से, तो मैं हल्का सा शावर कर दूंगी पानी का।
तो ये हुआ हमारा आज का टास्क पूरा। यहाँ पे फ्लावरिंग भी आने लगी है। एक पत्ता मुझे ख़राब लग रहा था, लीफ माइनर सा, तो मैंने इसे हटा दिया। और चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ, बस मेलन जो लगा है हमारे, ये देखो। देखा मैंने इसको बांधा भी हुआ है, बट फिर भी बांधने के बावजूद भी पता नहीं कीड़े इसमें अटैक कर जाते हैं। ये देखो कितना बड़ा हो गया ये, अच्छा लग रहा है ना देख के। और थोड़े से क्रैक्स भी आ गए हैं, बट चलो मैंने अभी इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दी है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। एंड मुझे क्या लगता है कि कपड़े से ज़्यादा इफेक्टिव क्या हो गए, जो बैग्स होते हैं ना, जो क्लोथ के बैग्स होते हैं, वो बांधने ज़्यादा बेटर रहेंगे, क्योंकि वो नीचे से फिर पूरा कवर कर लेते हैं। कपड़ा क्या होता है, एक साइड से खुला रह जाता है, जिसका मैं आपको दिखाती हूँ रिज़ल्ट। ये देखो आप, इनको देखो बढ़ते ही जा रहे हैं मैरीगोल्ड्स। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर भी एक हमारा मस्कारा लग रहा था बहुत बढ़िया सा, इस पर मैंने कपड़ा बांधा बट वो ढंग से नहीं बन पाया शायद, तो यहाँ पे अटैक हो गया और हमारा अच्छा वाला पॉलिनेटेड जो फ्रूट था वो ख़राब भी हो गया। ये लो जी, तो ये हो जाता है। अगली बार से मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसमें क्लोथ की बजाय क्लोथ के बैग्स बांधूँ। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक चीज़ और दिखाती हूँ, यहाँ पर देखो फ्लावर्स लगने स्टार्ट हो गए ये बड़े वाले पौधों में। इसमें देखो ये जाफरी वाला फूल लगा है, बडिंग हो रही है, और ये भी इसमें से ही है। ये जो इतने बड़े हैं, इनमें से एक पौधा है ये जिसमें फ्लावरिंग हो रही है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।